हेलो एवरीवन, धनंजय दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू योर फैंटास्टिक यूट्यूब चैनल ट्रेड हंटर। ट्रेडिंग के लिए क्या सही है, इक्विटी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग? ये जो सवाल है ये आपके दिमाग में दो रीजन से आ सकता है। पहला कंडीशन, आप बिगिनर है, जस्ट मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और आपको मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सेगमेंट्स का आपको सिर्फ पता है कौन से सेगमेंट्स मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, आपने बहुत टाइम मार्केट को दे दिया है, बहुत टाइम से आप मार्केट में काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे। सेटल नहीं हो पा रहे का मतलब अभी तक आप प्रॉफिट्स की तरफ नहीं जा पा रहे, आप लॉसेस में हैं। तो ये दोनों कंडीशन में हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, क्या सही है, इक्विटी ट्रेडिंग या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग? अभी मार्केट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स है, पर्टिकुलरली मैं ये दोनों सेगमेंट्स क्यों ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं या क्यों करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया है, जो टाइटल है इस वीडियो का, उसका आंसर कि विच वन इज बेस्ट, इक्विटी ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, दोनों के एनालिसिस करके, कंपैरिजन करके आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर को कौन सी चीज सूट करेगी, ये हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। और कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, जो मार्केट की रियलिटी है वही हम लोग देखेंगे। बिकॉज मार्केट की रियलिटी जब तक आप लोग नहीं समझोगे तब तक आप खुद के ट्रेडिंग को सेट नहीं कर पाओगे और यही रीजन है आप उन 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के कैटेगरी में आज भी बैठे हो, उस 10% प्रॉफिट मेकिंग कैटेगरी में नहीं एंटर कर पाए हो। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट दिमाग से मत स्किप करिएगा, शांति से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन से, और समझिए आपके दिमाग में कोई बायस्ड व्यू है मार्केट का तो उसको थोड़े देर के लिए साइड में रखना पड़ेगा और जो मैं बता रहा हूं उसको समझना पड़ेगा। आप मान के चल सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन अगर आप समझते हैं मेरी चीज को, अगर आपके ट्रेडिंग कैरेक्टर को वो चीज मैच करती है तो आपको आपका जवाब वहां पे मिल जाएगा। सो गाइस चलिए मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूं और विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड मैं आपको बताता हूं कि विच वन इज बेस्ट। ट्रेड हंटर। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बता रहा था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग विद इक्विटी ट्रेडिंग। तो ये जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या क्या हो सकता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग। मतलब इंडेक्स में मतलब बैंक निफ्टी, निफ्टी में हम लोग जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो इक्विटी सेगमेंट है मतलब या जो भी स्टॉक्स है इनके भी ऑप्शंस में काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं और अदर में फिर वहां पे कमोडिटी के ऑप्शंस भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं इस टाइटल में जहां पे मैंने कहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सही है या फिर इक्विटी ट्रेडिंग, तो यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे सिर्फ इस सेगमेंट को। बिकॉज मार्केट में आने वाले 90% से ज्यादा ट्रेडर सबसे पहले जाते हैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के ऑप्शंस की तरफ, जिनको कहा जाता है इंडेक्स ऑप्शंस, क्योंकि वहां पे उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन दिखता है। वहां पे कुछ इस तरीके से दिखता है कि मूवमेंट इस तरीके का रहता है कि 100 रुपए का ऑप्शन तुरंत 200-250 पे जा सकता है, इसका मतलब हमारा पैसा कम टाइम में डबल हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है, ल्यूर करती है और उनको लेके चलती है वहां पे ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ। तो हम लोग कंपेयर करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग जो इंडेक्स वाले है, इंडेक्स ऑप्शंस किसके साथ, इक्विटी के साथ। ठीक है चलो, अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग की मैं बात पहले करते हैं। हम लोग इंडेक्स में जो सबसे पॉपुलरली ट्रेड किए जाते हैं बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, इसके जो ये ऑप्शंस की जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी की अभी चल रहा है 15, निफ्टी का अभी चल रहा है 50। ठीक है, सो एक लॉट अगर हम लोग परचेस करते हैं निफ्टी का एट द मनी का, अगर कॉल या पुट हम लोग लेते हैं तो वो 100 रुपए के आसपास वहां पे मिलता है, तो ये जो टोटल है ये हमें मिल जाता है 5000 के अंदर। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी का अगर आप लेते हैं तो वहां पे 200 से लेके 250 के बीच में ये मिलता है, तो ऐसा पकड़ के 300 के आसपास ये मिलता है जो एट द मनी है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये भी मिलता है आपको 4500 के आसपास। तो क्या रीजन रहता है सबसे पहले लोग इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ जाते हैं? तो उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे हमें कम कैपिटल में, लो कैपिटल में भी हमें इनके जो ऑप्शंस है उनके एक एक लॉट एटलीस्ट हम लोग वहां पे ट्रेड कर सकते, परचेस कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला रीजन है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा बैंक निफ्टी जो अभी चल रहा है 48-47,000 के आसपास और निफ्टी चल रहा है 21-22,000 के आसपास, तो निफ्टी के अंदर जो है वो डेली मूवमेंट 200 पॉइंट से लेके 400 पॉइंट ऑन एन एवरेज चलता है।
और बैंक निफ्टी के अंदर वही मूवमेंट आपका 350 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट तक चलता है। तो कोई भी ऑप्शन में अगर हम लोग एट द मनी में ट्रेड करेंगे तो जो 50 रुपए से आप ले रहे हो वो आपका जा सकता है 100 रुपए तक और नीचे वो आ सकता है जीरो तक। जीरो तक तो कोई भी ऑप्शन इमीडिएटली आता नहीं अनलेस इट इज एक्सपायरी, तो इसको हम लोग वहां पे नहीं कंसिडर करेंगे, ये हम लोग वहां पे हटा देते हैं क्योंकि इतना जीरो होना इतना आसान नहीं। तो हम लोग ये ऊपर की साइड की बात करते हैं। 50 से 100 तक जा सकता है और सॉरी जो 100 रुपए में हम लोग लेते हैं वो आपका 200 रुपए तक जा सकता है। 50 तो मैंने लॉट साइज दिखाया, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और दूसरी चीज जो बैंक निफ्टी का 300 रुपए के आसपास है वो आपका 500 से 600 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पे दिखने में ये दिख जाता है कि भाई पैसा डबल, वहां पे 25 दिन में पैसा डबल हुआ था, यहाँ पे तो 25 मिनट में पैसा डबल है। तो ये एक चीज है। तो दूसरी चीज है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को कि जो मल्टीपल मतलब जो ग्रोथ होता है इसके अंदर जो ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस है उसका और जो प्रीमियम प्राइस है उसका, तो वो बहुत फास्ट है। तो ये दूसरी चीज है। तो इसका ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है ट्रेडर्स के ऊपर जो सबसे पहले इंडेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दो तरीके के लोग हैं जो ट्रेडिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कंपेयर करेंगे ऑप्शंस और इक्विटी को, तो बिगिनर्स है, ओके। और दूसरी चीज जो लोग ऑलरेडी एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं, मतलब बहुत टाइम हो चुका है, एक्सपीरियंस उनको आ चुका है लेकिन अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं लॉस में चल रहे, ये दो तरीके के लोगों को सवाल आता है कि भाई इक्विटी सही है कि फिर ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शंस सही है। तो बिगिनर्स के लिए मेरा सजेशन सबसे पहले ये रहेगा कि डू नॉट स्टार्ट विद द इंडेक्स ऑप्शंस, ये गलती कभी मत करना जिंदगी में। ये गलती अगर आप अभी भी बिगिनर हो, अभी तक आपने एक्टिव कैपिटल डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो आपके लिए ये सजेशन रहेगा मेरा कि ये गलती बिल्कुल मत करना, डायरेक्ट इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ मत जंप करना, स्टार्ट विद द इक्विटी ओनली, इक्विटी से ही स्टार्ट करिएगा। देखिए ये समझाने का मेरा एक तरीका है, मैं एक पॉइंट बताता हूँ। ये जो मार्केट की शुरुआत जब हुई थी तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ था, इक्विटी स्टार्ट हुआ था कि ऑप्शन से स्टार्ट हुआ था, इंडेक्स ऑप्शन से स्टार्ट हुआ था, ऑब्वियसली इक्विटी से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले आप इक्विटी में जब तक ट्रेड करके प्रॉफिट में नहीं जाते हो तो आप कैसे मान सकते हो कि आप मार्केट में ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको इक्विटी में प्रॉफिट निकालना आता है, इक्विटी में आप कंसिस्टेंटली, मैं एक या दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू ईयर्स की बात कर रहा हूं, कि अगर आप कंटिन्यूसली 10-12 महीने तक मतलब एक साल तक या फिर मल्टीपल ईयर्स तक अगर आप इक्विटी में प्रॉफिट निकाल पाते हो तभी आप खुद को ट्रेडर कह सकते हो। अगर आप इक्विटी में ही प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हो और आप जंप करते हो वहां पे इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ, तो समझ लेना आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। क्योंकि जब तक आपको यही पता नहीं है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरफ जाएगा ये मूव अगर आप कैप्चर नहीं कर पाते हो और आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो आप लिटरली गैम्बलिंग कर रहे हो। मन को बस बैर कह देते हो अभी ऊपर गया है या से नीचे आएगा तो चलिए पुट ले लेते हैं, ऊपर जा सकता है इसलिए कॉल ले लेते हैं, नीचे आ सकता है इसलिए पुट ले लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट गैम्बलिंग, ये ट्रेडिंग नहीं होता है। ट्रेडिंग कैसे होता है, मैंने क्या कहा, जब तक आप इक्विटी में पैसा, मुझे इक्विटी में अगर आप पैसा निकाल के दिखाते हो तो मैं मान जाऊं कि आप ट्रेडर हो। ये बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह है। चलो 2-3 साल हो गए और 2-3 साल में आपने ऐसा समझ लीजिए, पहला साल तो सीखने में लगा दिया, दूसरे तीसरे साल में आपने ग्रिप पकड़ ली इक्विटी के ऊपर और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अब आप ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो, तब जाके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तब जाके आप जंप करिएगा इंडेक्स ऑप्शंस की तरफ। ऑलराइट, अभी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है उनकी गलती क्या है, उनकी गलती भी यही रही है कि उन्होंने इक्विटी से पहले इंडेक्स ऑप्शंस पर वापस टाइम स्पेंड किया। और मार्केट की एक खासियत मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट हमेशा स्टार्टिंग में पैसा देता है, प्रॉफिट दिखाता है और वही प्रॉफिट वही पैसा आपको वहां पे, अरे मतलब जो एक हमारे इधर कहा जाता है चने के पेड़ पे चढ़ाना, तो वो चने के पेड़ पे चढ़ा देता है कि भाई आप वहां पे ट्रेडर बन रहे हो। 3 दिन में 6 दिन में 15 दिन में आपको समझ में आने लगता है भाई मैं ट्रेडर बन रहा हूँ, लगने लगता है। क्यों, ये चीज की वजह से कि स्टार्टिंग में मार्केट पैसा देता है और फिर ऑप्शंस में ही आप ट्रेड करना कंटिन्यू करते हो और एक वक्त ऐसा आता है जितना आपने कमाया और जितना आपने लगाया दोनों साथ में एक साथ चला जाता है, वापिस आप कहीं से पैसा अरेंज करते हो, फिर कहते हो कि नहीं यार मेरे से कुछ गलती हुई होगी, ऐसा तो मैंने तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट किया है, मैं तो ट्रेडर बन चुका था, वापिस ट्राई करते हो, इसमें ही आपके 1-2-3 साल चले जाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे है कि आफ्टर 2-3 ईयर्स, मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 2-3 ईयर्स
बहुत सारे लोग एक तो कंडीशन में रहते हैं कि ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन पे मतलब जितना लगाया उतना ही हाथ में, ना प्रॉफिट में ना लॉस में है। हो सकता है आपने ब्रोकरेज पे किया वो तो माइनस हो जाएगा फिर कैपिटल में, दूसरा चीज आप लॉस में हो, और तीसरी चीज आप प्रॉफिट में हो, पहले दो तीन साल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका जो कैलकुलेशन है भैया वो कुछ ऐसा कहता है कि ये 90% लोग ये पहले दो कैटेगरी में वहां पे है और 10% लोग सिर्फ इस कैटेगरी में है। ये फिगर आपका 95 और 5% भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फिगर्स की बात कर रहा हूं। सो दो तीन साल बाद भी अगर आप इस कंडीशन पे है तो इस कंडीशन पे है तो आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत है खुद को, ट्रेडिंग को। इस तरीके से आप सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल लीजिएगा कि जो आपके इंडेक्स के ऑप्शन से वही आपको पैसा देते हैं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स आपके दिमाग में, जैसे ही मैं ये कहूंगा बड़े बड़े ट्रेडर्स, तो जो गिने चुने दो तीन नाम आए, एक बार सिर्फ थॉट देके देख लेना कि ये लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते थे या फिर इक्विटी में ट्रेड करते थे। यस, ये लोग सारे इक्विटी में ट्रेड करते थे। और ये जो चीज है, ये चीज मैंने देखो कल अपने टेलीग्राम पे एक इमेज पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया कि ट्रेडिंग के स्टोरी में 9 साल बिताने के बाद ये रियलाइजेशन होने लगा कि एक्चुअली जो सॉल्यूशन है मार्केट का, प्रॉफिट का जो पाथ है, वो स्टार्टिंग में ही कहीं पे है, हम लोग बहुत दूर जाके उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये एक्चुअली इक्विटी में कैसा पैसा बनेगा, इसके ऊपर मैं काफी दिनों से वर्क कर रहा था। और अभी रिसेंटली मैंने वो उसका जो मतलब कोड है वो क्रैक किया, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। देखिए उसका टाइटन सेटअप करके बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे लाएंगे, चैनल के ऊपर लॉन्च हो जाएगा ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से 1:2 का रिस्क रिवर्ड रेशो मेंटेन करके हमने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। क्या है ये चीज, किस तरीके से काम करती है, वो बहुत जल्द हम लोग वहाँ पे बताएंगे, लॉन्च करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज, इसके एग्जांपल्स मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देख लीजिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जिस इमेज पे आपको ये लोगो दिखेगा टाइटन सेटअप का, तो समझ जाइएगा कि ये इक्विटी वाला मास्टर का जो फंडा है वो वहां पे मैंने वहां पे यूज करके वहां पे प्रॉफिट बनाया है। ऑलराइट, तो इक्विटी में पैसा बनेगा भैया, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली चाहिए। अगर आप वहां पे ऑप्शंस में पैसा करके आज वहां पे 1,000 रुपए कमा रहे हो, कल 1,000 रुपए गवा रहे हो, फिर 2,000 कमा रहे हो नेक्स्ट डे, उसके बाद 3,000 गवा रहे हो, इस तरीके से अगर आपका कंटिन्यूसली चलेगा तो एट द एंड मैक्सिमम चांसेस है कि आप लॉस में ही रहोगे या फिर मैंने कहा ब्रेक इवन पे रहोगे। इक्विटी में वैसा काम नहीं होता है, इक्विटी में वहां पे फिक्स रिस्क रिवर्ड रेशियो के साथ हम लोग काम करते हैं। ऑप्शंस में आप फिक्स रिवर्ड रिस्क रिवर्ड रेशियो आप मेंटेन ही नहीं कर पाते हो, और इक्विटी में वहां पे आपको एक्चुअली ये जो आपको दिखता है 10,000 पे आप लोग 1,000 रुपीज कमाते हो। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाता है 10%। तो आप कहोगे कि सर 10% इक्विटी में, वहां पे 5-6% ही मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है इक्विटी में वो है आपकी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंटली आपको 5-6% मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द गेम आपको बनाता है एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ऑलराइट, तो ये चीज दिमाग में थाम लीजिए, ये फिक्स कर लीजिए। अगर आपका वहां पे एक्सपर्टाइज है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में और अगर आप सही से पैसा कमा रहे हो, देन इट इज ओके, मैं आपको डिमोरलाइज डिमोटिवेट वहां से डाइवर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अभी तक अगर आप उन 90% लोगों में हो तो आपको थॉट देने की जरूरत है मैं किस चीज का, ठीक है। तो जाके लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम पे दोनों नीचे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक कौन करेगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।